कर रहा है और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। नगर निगम अधिकारियों पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगा है। नानाखेड़ा स्थित आनंद नगर में इसी तरह मकान के मालिक वासुदेव कुरीर के अनुसार सुबह शाम 6 बजे निगम ने नोटिस देकर बताया कि उनके मकान का आगे का कुछ हिस्सा बगैर अनुमति के बनाया गया है, जो अवैध है। कुरीर के अनुसार 1 माह पूर्व ही उन्हें नोटिस दिया गया था। इस नोटिस के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दाखिल की थी। स्थगन आदेश में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाए, मगर जिम्मेदार अधिकारियों ने आदेश की अवमानना कर मकान तोड़ने की कार्रवाई की। वह संबंधित पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे कि मैं आपका मकान 1 हफ्ते में तोड़ दूंगा, 1 हफ्ते में जो भी जवाब देना हो दें। हमने 1 हफ्ते में ये सारा जवाब आवक जावक में दे दिया, वहाँ पर वो सारे कागज लगाए। उसके बाद 1 महीने तक कुछ नहीं दिया नोटिस वोटिस। फिर अभी क्या हुआ कि वो कल ये शाम को 6 बजे मैं घर पे नहीं था, किसी को नोटिस पकड़ा गया दूसरे को और बोले कि 12 घंटे में आ जाओ नहीं तो हम मकान तोड़ देंगे। अब 12 घंटे में ये हमें स्टे की कापी देना था, इसके पहले ही मकान तोड़ दिया। 12 घंटे नहीं हुए, इसके पहले ही तोड़ दिया, क्योंकि शाम को 6 बजे दिया था उन्होंने नोटिस। तो आज हम 6 बजे के पहले वहाँ नोटिस देने जाना था, इसके पहले सारा मकान आके तोड़ दे और स्टे की कापी बता रहे। तो बोले हम नहीं मानते स्टे का कोई मतलब ही नहीं। क्या नाम होगा? वासुदेव कुरील। स्टे बताने के बाद मकान तोड़ दिया उन्होंने। इसके आगे कोई कार्रवाई करेंगे? अब तो करना ही है अधिकारी, अब जो भी हो देखते हैं। अब इसकी अगली कार्रवाई हम करेंगे, क्या होता है जो भी है। कोर्ट में वैसे चल रहा है मैटर, अभी स्टे मिला है, अब आगे की कार्रवाई। आज हम इंदौर ही गए थे किसी में, और अधिकारी स्टे देखने के बाद मना कर रहे हैं। हम किसी भी अधिकारी की नहीं सुन रहे हैं, ना कोई कर्मचारी। हाईकोर्ट तुम जानो, तुम्हारा काम जानो।